आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे 30 जून को मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले चुके थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट के सहारे शिंदे को बधाई देते हुए इस बात का जिक्र किया था। शिंदे ने मुंबई के निकट ठाणे में शिवसेना के नेता के तौर पर अनुभव प्राप्त किया। वह सतारा शहर से 60 किलोमीटर दूर दबे ताप गांव के रहने वाले हैं। इसी बीच बता दें आपको कि यहां शरद पवार ने शिंदे की सरकार बनते ही एक बात का फैसला कर दिया था कि जिस दिन ये सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनी है वो कभी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं शरद पवार ने इस चीज़ की भविष्यवाणी कर दी है कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि एकनाथ शिंदे की पत्नी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान आया है। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जैसे ही शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ अपनी आंखों के सामने बच्चों को खोने के बाद, डिप्रेशन में होने के बावजूद लता शिंदे ने ना खुद जिंदगी से हार नहीं मानी, ना अपने पति शिंदे को मानने दी। लता को संभाला, साथ ही पति शिवनाथ शिंदे के लिए हमेशा मजबूत कंधा बनी रही और कदम पर उनका साथ दिया। एकनाथ शिंदे ने अपने जीवन में वो दौर देखा जिसको सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे का हंसता खेलता परिवार एक दिन ऐसा आया कि एकनाथ और उनकी पत्नी लता की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार डूब गया। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खो देने के गम में डूबी माँ लता इस हादसे से टूट चुकी थी, लेकिन अपने पति और परिवार को ढाढ़स देकर बाहर निकाला और कठिन कठिन से समय से परिवार की थाल बनी। इसी बीच यहाँ बता दे कि हम यहाँ जिक्र कर रहे थे शरद पवार का, तो एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे ने शरद पवार से बातचीत की थी। इस बीच यहाँ शरद पवार को वो अपना भाई बताती नजर आई थी, यानी कि एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे का कहना था कि शरद पवार मेरे भाई हैं, लेकिन वो विपक्षी पार्टी का साथ देने होने के कारण मेरी उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है। यही कारण बताया लता शिंदे ने कि एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे ने शरद पवार से कोई बातचीत वो नहीं करती है। शरद पवार को लेकर वो काफ़ी चीज़ें कहती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो कभी इस चीज़ के फैसले नहीं करती कि शरद पवार को लेकर क्या बयानबाजी करनी है क्या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।